12 मई 2024 को आज एनएसएस कैंप लग रहा है टीडी हार्ट जीआईसी में, जो कि आज के ब्लॉग में आप देखेंगे। तो गाइस, ये अपनी स्कूटी खड़ी है और सामने देखिए 3 कुत्ते जा रहे हैं बड़े सुंदर से, और यहाँ पर पे काफल बेचने वाली आई हुई हैं, और हम हैं डीडी हार्ट के टॉप ऑफ द प्लेस झंडाधार में। झंडाधार से आप देख सकते हैं डीडी हार्ट की एक पट्टी नुमा आकृति। तो गाइस, जब चलते हैं सीधा स्कूल में जहाँ पर कि एनएसएस का कार्यक्रम हो रहा है, और वहाँ पर पे बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं, स्कूल को पूरा साफ किया जा रहा है इन स्वयं सेवियों द्वारा, एनएसएस जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना करके जानी जाती है पूरे देश में। इसमें बच्चों का कैंप लगाया जाता है, अच्छी खासी ग्रांट आती है इसमें स्कूल में कैंप लगाने के लिए, और 7 दिन का कैंप इनका कहीं दूर भी लगता है जहाँ पर भी की इनकी एक पिकनिक जैसी भी हो जाती है इन बच्चों की। इस कैंप में ये बच्चे तरह तरह के प्रशिक्षण लेते हैं, जिसमें कि साफ सफाई है और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी सिखाई जाती हैं एनएसएस कैंप में। यहाँ बन रहा है खाने में चिकन, तो ये मुर्गियाँ भी यहीं काटी जा रही। अब बनाना है हमें पनीर यहाँ पर पे, जिसमें कि मसाले ये पड़ेंगे, और ये पनीर है 1 किलो है पूरा, और यहाँ पर पे ये बच्ची का बेटा है, और बाहर पर चिकन बनाया जा रहा है छात्रों द्वारा, और बच्ची भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। पनीर का मसाला तैयार हो गया है और पनीर काटा जा रहा है, जो कि अब सीधे ग्रेवी में पड़ेगा। क्रीम से गार्निशिंग की जा रही है पनीर की। अब यहाँ पर पे बच्चों का ज्ञानवर्धन हो रहा है और एनएसएस के बारे में बातें बताई जा रही हैं, और हम इस कार्यालय के बाहर पर पे बैठे हुए हैं। चिकन का मसाला तैयार है और चिकन अब डाला जा रहा है। और यहाँ पर छात्रों की पंजा लड़ाव प्रतियोगिता हो रही है। Hey!
ये है डीडी हाट नगर एक दूसरे छोर से, और ये है मलेनाथ स्वामी जी टॉप में विराजमान शिव भगवान, और ये है पर्वत श्रृंखला डीडी हाट में पाई जाने वाली, और सामने पर पे है घना जंगल जिसे कि गंधुरा के नाम से भी जाना जाता है। और अब हो चुका है लंच टाइम, तो चलिए करते हैं लंच। अब शाम हो गई है और घर में आ गया हूँ, और हवा बहुत तेज चल रही है। इंद्रधनुष उगता हुआ देखिए गाइस, धूप भी आ रही है और बादलों की गर्जना सुन सकते हैं। बरसात बहुत तेज हुई जिससे कि देखिए आप कितना पानी निकल रहा है छतों से, और अब खाएंगे हम काफल नमक और तेल छिड़क कर। तो गाइज आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।